जमुनापार के घूरपुर थाना क्षेत्र के बीकर, कंसा, देवरिया, जगदीशपुर, इरादतगंज सहित कई ग्राम सभा के अधिकतर लोग ऐसे परिवार से हैं जो कि बालू निकासी, लोडिंग एवं मजदूरी करके गुजर बसर करते थे। लेकिन पिछले एक वर्ष से बालू खनन पर सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस दिक्कत को देखते हुए भारतीय किसान मजदूर सभा ने बालू चालू कराने के संबंध में बैठक रखी, जिसमें प्रधान बीकर प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि यहाँ के लोग बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इस मौके पर शामिल लोगों ने लोगों के रोजगार को लेकर कई विकल्पों का सुझाव दिया। इस मौके पर BDO जसरा देवेंद्र ओझा, बीकर प्रधान प्रवीण कुमार सिंह यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ जसरा सुरेश निषाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर जिला उपाध्यक्ष विनोद निषाद, महेश निषाद, सुरेश चंद निषाद, राम आसरे निषाद कोटेदार, दीपचंद निषाद, संजय निषाद, रामू भोला निषाद आदि लोग मौजूद रहे। हमारे ग्राम पंचायत बीकर की जनता आज भुखमरी के कगार पे है। इनका मेन पेशा मजदूरी करना था। बालू खनन बंद होने से इन लोगों के यहाँ दो वक्त की रोटी का मतलब जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आज SDM महोदय और BDO और CO साहब आने वाले थे, लेकिन मौके पे BDO आए और SO गोरपुर। इस मुद्दे को रखा गया, हम लोग रखे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब मनरेगा का काम जल्दी करवाएंगे और उसके लिए आप लोग जो है का नाम से अगर बालू खनन वाला है तो इसके लिए आप लोग कोर्ट में जाइए, उसमें आप लोग वहां से जो आदेश होगा उस आधार पर जो है का नाम से आप लोगों को, ये तो पूरे क्षेत्र का मैटर है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आज जो समाज में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के सवाल पे हमारे SDM महोदय और CO महोदय और घोरपुर थाना अध्यक्ष महोदय और ब्लॉक जसरा के BDO महोदय, ये सारे लोगों ने पहले से कल बात किए थे कि हम लोग बैठ के रोजगार संबंध में कुछ बात करेंगे, रोजगार को वैकल्पिक रूप से ढूंढकर रोजगार को हम दिलाएंगे। प्रयागराज से सुनील यादव की रिपोर्ट।